क्लास 10 सीबीएसई में थर्ड यूनिट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स देखा था। पॉलिनोमियल जब देखा था तो हम लोगों ने देखा था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर द नंबर्स एंड एक्स इज वेरिएबल। तो और ऑर्डर वन है तो लीनियर हो गया यहाँ, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, तो दिस इज वन वेरिएबल इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो में ए है बी है एज अ कॉन्स्टेंट आर द नंबर और एक्स जो है दैट इज द वेरिएबल, एक ही वेरिएबल तो है और पावर वन है, सो अकॉर्डिंगली दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं ऐसे लिखता कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ए बी सी आर द नंबर एंड एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स, तो यहाँ एक्स पर पावर वन वाई पर पावर वन, तो ये लीनियर हो गया। तो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ नाम आ रहा है टू वेरिएबल और ए बी और सी। यहाँ हर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मीन्स हर बार यहाँ हमें एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू सोचनी होगी या देखेंगे। बहुत से मेथड्स हैं जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, मीन्स एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में उन्हें पुट करते ही राइट हैंड साइड का माइनस सी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं लिख देता थ्राइस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, ऐसे मैं लिख देता तो दिस इज कॉल्ड एक्स पर पावर वन है वाई पर पावर वन है, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन और एक्स एंड वाई देर आर टू वेरिएबल, सो अगर हम इनको एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ एक्स की वैल्यू और वाई की कुछ वैल्यूज होंगी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच करेगा, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचना शुरू करें एक्स इज वन वाई इज वन, तो देखिए थ्री माइनस टू आ गया वन, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन कामा वाई इज इक्वल टू वन, तो देखिए थ्री माइनस टू दिस इज वन सेटिस्फाई हो गया, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए जीरो रख के देख लेते हैं, x जीरो रख ले मान लेते हैं जीरो वन रख लिए, ये तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैच कर रहा है, हमने कहा सोल्यूशन है। मान लेते हैं कोई कहता है कि सर x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन रख के दिखाइए, तो रख दीजिए ये हो जाता है जीरो, ये रख के हो जाता है माइनस टू, दैट इज माइनस टू इज इक्वल टू वन, नो नॉट पॉसिबल, मीन्स दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो x और y की वो वैल्यूज क्या होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मीन्स एक्स और वाई की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई को पुट करते ही राइट हैंड साइड मैच कर जाएगा। एक्चुअली मैं इस बात को समझने के लिए कि यहाँ एक्स और वाई की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड का ये इक्वेशन राइट हैंड साइड से मैच करेगा, हम इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में चलते हैं। क्या कहता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं इन अ इक्वेशन, तो उनमें एक को वाई एक्सिस पर एक को एक्स एक्सिस पर डिनोट कीजिए और अभी उनका ग्राफ कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। नाउ आप ऐसे समझिए कि ग्राफिकली अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो कि एक्स और वाई की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं फॉर विच दिस इज एबल टू प्रोवाइड द राइट हैंड साइड, और एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड में रखे जाने पे राइट हैंड साइड के वन से मैच करेंगी, विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अभी हम पेयर में नहीं पहुंचे हैं, हम एक इक्वेशन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल अगर आ जाते तो इस केस में इन वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होती और इनसे हमें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलता। अभी अगर आप 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 में आप 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2
y वन को इधर कर लीजिए, 3x माइनस वन इज इक्वल टू टू y, सो y इज इक्वल टू 1.5x माइनस 0.5. y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स x की डिफरेंट वैल्यूज को हम रखेंगे तो करस्पॉन्डिंगली y की डिफरेंट वैल्यू मिलने लगेगी. चलिए इसको हम ग्राफ में एक्सप्रेस करके देखते हैं इनका क्या मतलब है. यहाँ हम x की डिफरेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे जितने भी आप सोच सकते हो रखिए. और देखिए यहाँ करस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू क्या है. जब आप माइनस वन रखेंगे तो माइनस पॉइंट 1.5 और माइनस टू हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा. जीरो रखेंगे तो 0.5 हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा. दोबारा देख लीजिए, माइनस वन रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.5 और माइनस 0.5, दिस इज माइनस टू. एंड वन रखेंगे तो 1.5 माइनस 0.5, दैट इज वन. देख लीजिए 1.5 माइनस 0.5 वन. टू रखेंगे तो 3 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 2.5. और थ्री रखेंगे तो 4.5 माइनस 0.5, दैट इज 4. इस तरीके से आपको x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिलने लगी. मीन्स बाई मीन्स आप ग्राफ देख लीजिए, x पे नेगेटिव है ये वैल्यू, इसके लिए वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और y पे दो वैल्यू. ये आप ले लीजिए वेरिएबल x और करिस्पॉन्डिंगली आपको जो वेरिएबल y की वैल्यू मिल रही है उसको यहाँ देख लीजिए. नाउ दिस इज माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ठीक. एंड y में आपको नेगेटिव है माइनस टू तक जाना है, वन वन का स्लॉट ले लीजिए आप, वन वन का स्लॉट. तो ये हो जाएगा माइनस वन, दिस इज माइनस टू, माइनस वन, माइनस टू, इधर हो जाएगा प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, थ्री होकर जाना है प्लस फोर, ठीक है. प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर. नाउ नाउ x इज इक्वल टू माइनस वन पर आपको मिल रहा है y की वैल्यू माइनस टू मिल रही है, हियर इज द पॉइंट. एंड x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस 0.5 मिल रही है, इज दिस. एंड प्लस वन पे वन है, प्लस वन पर आपको वन मिल रही है, इज दिस. टू पे आपको 2.5 मिल रही है, दिस. टू पे 2.5 मिला हुआ है एंड थ्री पे आपको 4 मिला हुआ है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन. एक्चुअली में ये पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, y इज वन वेरिएबल हैविंग द पावर वन डिपेंडिंग ऑन x, x इज ऑल्सो हैविंग द पावर वन, तो ये पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन पढ़ा जाएगा. दो अननोन है तो इसलिए इनको टू वेरिएबल कहा जाएगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. गारंटी है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है तो हर बार आपको ग्राफिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. कोई भी रिलेशन आपको दे दिया जाए, मीन्स अगर आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को एज अ स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर चले तो हर बार आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. हो सकता है ऐसे मिले, हो सकता है ऐसे मिले, हो सकता है ऐसे मिले, हो सकता है ये कहीं भी जाए, ये होना स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है. x वेरिएबल x एक्सिस पे ले लीजिएगा, y वेरिएबल y एक्सिस पे ले लीजिएगा. मीन्स टू वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो ये मिल गया स्ट्रेट लाइन. अब आइए कि यहाँ हम
ये कह रहे थे कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्चुअली में इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट हैं ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नहीं समझे? फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 पुट करेंगे इन दिस इन कहां था दिस पार्ट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसी को तो ग्राफिकली ट्रेस किया था। हमने कहा था y एज अ फंक्शन ऑफ x जनरेट कर लीजिए लाइक दिस। अब x की वैल्यू को x एक्सिस पर, करेस्पॉन्डिंगली ऑब्टेन वैल्यू को y एक्सिस पर। तो यहाँ x की हर बार x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही थी और ये जो वैल्यू मिल रही थी दीज आर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y। हर बार जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इन्हीं पर होगा। अगर हम इसके इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स निकाल डाले हैं तो वही बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और वो सॉल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन पे सिचुएटेड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट तो आपको पता है ना, इसमें x की वैल्यू है +2 एंड y की वैल्यू है 2.5। चलिए उठा के इक्वेशन में लगते हैं, अगर यहाँ रखेंगे तो 3 और x है 2 हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 दैट इज 5, 6 माइनस 5 दैट इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि अगर हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो इसमें x एंड y पावर 1 रख रहे हैं सो दे आर लीनियर और a b c आर द नंबर। तो x और y के बीच खींचा गया ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ऑल विल बी द ऑल विल बी द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। तो एक चीज तो क्लियर हुआ। अब ये इक्वेशन बनते कैसे हैं? ये इक्वेशन इस तरीके से बनते हैं। मान लेते हैं मैं आपसे कहता कि 3 पेंसिल्स की कॉस्ट प्लस 2 पेन की कॉस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज से, और मैं कहता कि अगर मैं 3 पेन एंड 2 पेंसिल्स परचेस करूं तो सिर्फ जो बिल आता है वो 75 रुपीज का आता है। इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच पेंसिल प्लस ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच पेन इज इक्वल टू 100 रुपीज। इन अ सेम वे ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द पेन प्लस 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ द पेंसिल इज 75 रुपीज। तो अभी आप सोचिए कि से पर पेंसिल इज ऑफ एक्स रुपीज एंड से पर पेन इज ऑफ वाई रुपीज, तो क्या आपको मिलेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। मीन्स 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और 3x प्लस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन आपको ऐसे नहीं मिल गया? हमने दोबारा कहा कि अगर हम थ्री पेन एंड टू पेंसिल्स लेते तो 75 रुपीज ही पे करने से आपने क्या माना? आपने माना कि पेन पर पेन इज ऑफ वाई रुपीज एंड पर पेंसिल इज ऑफ एक्स रुपीज, सो टोटल प्राइस बिकम्स थ्राइस वाई प्लस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 75। ठीक से अरेंज कर लीजिए तो जाएगा थ्राइस वाई प्लस ट्वाइस एक्स, इधर करेंगे तो माइनस 75 इज इक्वल टू 0। हर बार आपको इक्वेशन कैसा मिल रहा है? हर बार आपको इक्वेशन मिल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं तो इनके लिए हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आपको मिलता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ हम पीछे के चैप्टर्स में कहीं या लोअर क्लास में आपको ये बताया गया होगा कि जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ती है. सिंस वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सो वी नीड टू इक्वेशंस कॉल्ड समल्टेनियस इक्वेशन जिनसे हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं. इसका मतलब है जैसे यहाँ हमने लिखा 3x plus 2y and 3y plus 2x. अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कराए तो एक फिक्स्ड वैल्यू x की होगी और करेस्पॉन्डिंगली एक फिक्स्ड वैल्यू y की होगी जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेटिस्फाई होंगे. इस तरह से हमें यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y मिलने लगेगा. मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है, दो अननोन वेरिएबल हैं, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. इसीलिए यहाँ लिखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यानी हम आ गए अपने चैप्टर के टॉपिक पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है. हमने कहा कि हमारे पास जो x और y वेरिएबल है इसमें x और y की वैल्यू जानने के लिए हमें दो इक्वेशनों की जरूरत पड़ने वाली है. सच एज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इन्हीं को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मीन्स एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स एंड टू नो दियर वैल्यूज वी हैव टू इक्वेशन कॉल्ड समल्टेनियस इक्वेशन और कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अगर हम इसको ग्राफ में ट्रेस करें तो कन्फर्म है वाई वर्सेज एक्स के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसी तरीके से यहाँ हम खींचे ग्राफ तो वाई वर्सेज एक्स के लिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा. कुछ रिजल्ट हम पहले ही कंक्लूड कर दे रहे हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स देके हम लोग उसको जस्टिफाई कर लेंगे. जैसे जब ये इक्वेशन बनेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो बहुत से मेथड हैं. सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड में आ रहे हैं. सबसे आसान और इजी जो आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. वैसे तो बहुत से मैथड है, इलिमिनेशन मैथड, सबस्टिट्यूशन मैथड, ट्रांसफरिंग मैथड, ठीक है, ग्राफिकल मैथड. हम सबसे पहले ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं. ग्राफिकली का मतलब इनको जब सॉल्व करने जाते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्राफ से, तो अगर इसको इसका ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका ग्राफ खींचे तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन आएगा. सेम स्केलिंग पर दोनों को खींचिए. जब सेम स्केलिंग पर इन दोनों को खींचते हैं तो ग्राफ हमें जो मिलते हैं वो आप थ्री काइंड मिलते हैं. यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है. अगर इन दोनों को खींचे और ये ग्राफ ऐसे मिल गए, इन दोनों को खींचे और ये ग्राफ ऐसे मिल गए, इन दोनों को खींचे और ये ग्राफ मर्ज हो गए अलोंग, तो ये थ्री, इन ये तीन ही केस मिलने हैं, इनके अलावा कोई चौथा केस नहीं मिलेगा. जनरली हम ये कहते हैं कि अगर मान लेते हैं ये वन था, हमने ग्राफ में ट्रेस किया तो ये मिला और हमने टू को ट्रेस किया तो हमें ये मिला. अभी इनका इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो इनका जो इंटरसेक्शन है दैट हैज अ वैल्यू ऑफ एक्स, दैट हैज द वैल्यू ऑफ वाई एंड इस एक्स एंड वाई जो इंटरसेक्शन पॉइंट से मिल रहे हैं विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द टू गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो ये लाइनें तब मिलती हैं जब हम देखते हैं कि a1 by a2, ये हम आगे एग्जांपल से आपको प्रूव करके दिखा देंगे. अभी हम एग्जांपल में ग्राफ भी खींच के दिखा देंगे बट हम पहले कंक्लूजन ले रहे हैं. a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, दिस इफ दिस बाय दिस नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस
तो उस केस में दोनों का जो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आएगा वो इंटरसेक्ट हो जाएगा एट अ पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट एक्स और वाई सर्च कर लें, क्योंकि स्किल्ड ग्राफ होंगे आपके पास, तो यही इस लीनियर इक्वेशन का आंसर होगा। अगर दोनों एग्जैक्टली पैरेलल हैं तो एग्जैक्टली पैरेलल होने का मतलब इनके पास जो टोटल मतलब इंटरसेक्ट नहीं किए, इंटरसेक्ट अगर नहीं किए तो मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स अगर आपने दो पैरेलल लाइंस पाई हैं बाय ट्रेसिंग ग्राफ ऑफ वन एंड टू, तो इस केस में अगर इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये यहाँ आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और ये होता कब है, ये आपको पैरेलल लाइन तब मिलती है जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। मीन्स आपने वन के लिए ग्राफ खींचा, आपने टू के लिए ग्राफ खींचा और आपको एग्जैक्टली पैरेलल लाइन मिल गई, तो इस केस में एक्स और वाई की कोई ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को समल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। इसका मतलब होगा कि आपको एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। और अगर हम दोनों को वन और टू को हमने खींचा तो वन और टू दोनों एग्जैक्टली कॉन्फाइंड हो गए इन ईच अदर, तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आर एग्जिस्टिंग, यानी एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी वो एग्जैक्टली दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी इनफाइनाइटली, और ऐसी कई मिलेगी। इसमें सिर्फ एक एक्स और एक्स और वाई की एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जिससे ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होंगे। इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू दोनों इक्वेशन को समल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। और अगर ये मर्ज हो जाए तो अगर हम एक इक्वेशन कि ये एक्स और वाई की वैल्यू देखें कि ये सेटिस्फाई हो जा रही है टू द इक्वेशन इन द इक्वेशन, तो वही एग्जैक्टली दूसरे को भी सेटिस्फाई कर देगी। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हर बार जब एक्स और वाई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। इनकी कंडीशन क्या है, इनकी कंडीशन है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, इनके लिए दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अगर हम इनके ग्राफिकल एग्जिस्टेंस को डिस्कस करें या टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय ट्रेसिंग द ग्राफ, तो हमें ग्राफ तीन तरह के मिलते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग मिलते हैं, या पैरेलल मिलते हैं, या कॉन्साइडिंग मिलते हैं। अगर इंटरसेक्शन मिलते हैं तो इस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट से जो एक्स और वाई की आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन। अगर एग्जैक्टली पैरेलल लाइन मिलेगी तो आप देखेंगे कि कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। मीन्स एक्स और वाई की एक वैल्यू अगर आप ढूंढ भी लेंगे जो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर हम यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात करें तो मतलब जब एक लाइन दूसरे लाइन में मर्ज हो जाएगी, तो मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू एक लाइन को सेटिस्फाई करेगी, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो हर हालत में दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी और बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी आप एक्स एंड वाई जो इक्वेशन वन के लिए सही है तो इक्वेशन टू के लिए भी सही है। हमने बताया कि कब कौन सा मिलेगा, हम एग्जाम्पल देते रहे हैं कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी और आप कंक्लूजन ले पाएंगे कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन है, एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू है। और अगर आप नो सॉल्यूशन के केस में है, मीन्स ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू है, नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू है, तो इस केस में आप दो पैरेलल लाइन पाएंगे, देखेंगे कोई आपको कॉमन वैल्यू एक्स वाई की नहीं मिल रही जो एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और अगर कॉन्साइडिंग है तो उस केस में आपको मिल जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं, एक एक का एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर मैं इक्वेशन लिखता
x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल टू जीरो, थ्राइस x प्लस फोर y इज इक्वल टू 20। मान लेते हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस टू वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज थ्राइस x प्लस फोर वाई माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक इक्वेशन हमने लिया, एक दूसरा इक्वेशन एक तीसरा भी ले सकते, ले ले रहा है। अगर हम एक दूसरा इक्वेशन लें सच है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और एक थर्ड इक्वेशन हम ले रहे हैं एज द x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने तीन एग्जांपल लिए, हमने यहाँ एक कंडीशन ली जिसमें हमारे पास इक्वेशंस ये और ये हैं, यहाँ हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये है, यहाँ हमारे पास ए वन इन टू बी वन बी टू सी वन सी टू, देख लीजिए आप, ए वन इज द वन, बी वन इज द माइनस टू, सी वन इज द जीरो, ए टू इज द थ्री। मीन्स आप देख लीजिए ए वन इज इक्वल टू वन, ए टू इज इक्वल टू थ्री, बी वन इज इक्वल टू माइनस टू एंड बी टू इज इक्वल टू फोर, सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस 20। क्लियर है, ए वन बाई ए टू 1/3 एंड बी वन बाई बी टू माइनस 1/2। मीन्स ए वन बाई ए टू इज 1/3 एंड बी वन बाई बी टू इज द माइनस 1/2, दे आर नॉट इक्वल, 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, नॉट इक्वल टू, इस कंडीशन में आ गए। मीन्स अगर हम इसका ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ खींचे, तो कुछ ऐसे आएगा जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से एक्स एक्सिस और वहां से वाई एक्सिस पर चलकर अगर हम आवे तो उस केस में हम एक्स और वाई की वो वैल्यूज पालेंगे जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, यानी ये वाला एग्जांपल हुआ। हम सॉल्व करके अभी देख लेंगे कि इसका ग्राफ खींचे तो क्या ऐसा ग्राफ आ रहा है। यहाँ देख लीजिए ए वन ए टू, ए वन बाई ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, यानी कि हम किसमें आ गए, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसमें आ गए। इसमें आने का मतलब क्या है, मतलब अगर इन दोनों को हम ट्रेस करें तो उस केस में दोनों कॉन्साइडिंग लाइन्स आपको मिलेंगी और इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। और इसमें देख लीजिए ए वन ए टू 1/2, बी वन बी टू 1/2, सी वन सी टू दैट इज 1/3, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अगर ऐसा है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, यानी इसमें आ गए। इसका मतलब है अगर हम इनको सॉल्व करें तो इस केस में हमारे पास दो पैरेलल लाइन मिलेंगी और दो पैरेलल लाइन मिलने का मतलब नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन का मतलब कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें आप x और y के लिए इसको सेटिस्फाई होता देखें और वो x और y जब इसमें रखें तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हमने आपको डिस्कशन में ये बताया कि हम लोगों को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, उन बहुत सारे मेथड्स में हम
सबसे पहले ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। चलिए जरा इसको खींच के देखते हैं कि ये ग्राफ में कैसा दिखता होगा, इसको खींच कर देखते हैं ग्राफ में कैसा दिखता होगा, इसको खींच कर देखते हैं ग्राफ में कैसा दिखता होगा। चलिए हम इनको उठाते हैं, यहाँ हमारे पास है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड हमारे पास दूसरा इक्वेशन है थ्राइस x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, इनको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखें क्या आता है। डिस्कशन से तो हम लोग जान ही रहे हैं इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की ऐसी मिलेगी जिसके लिए ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप यहाँ से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और यहाँ से लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर वाई हो जाएगा 20 माइनस 3x और नीचे बाई फोर जाएगा बाई फोर, ये आपके पास एक हो गया, ये आपके पास दो हो गया। ठीक है, अब इनका ग्राफ खींचना है। आप क्या कीजिए कि जैसे इनके लिए ग्राफ खींचना है तो यहाँ आपके पास हो गया x, यहाँ हो गया y, जीरो वन टू थ्री, ऑब्वियसली जीरो पॉइंट फाइव वन 1.5 ये वैल्यूज आपको इसके लिए मिल गई। इनके लिए देख लीजिए वही रीडिंग x एंड y। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मान लेते हैं इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ और रीडिंग ट्राई करके देखेंगे, लेकिन नेचर से तो दिख जाएगा ना। अब मान लेते हैं ग्राफ हम खींचे, हमको ग्राफ ऐसे मिल रहा है तो इतनी तो गारंटी है ना कि और रीडिंग्स लेंगे तो इंटरसेक्शन दिखेगा। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए, हो सकता है भाई हमने तो एक जनरल एस्टिमेशन दिया, इसीलिए आगे चल के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड पर ज़्यादा अच्छे से कमांड करेंगे। ये सिर्फ आईआईटी या कॉम्पिटेटिव पार्ट है और ग्राफ और फिजिक्स में भी इसकी थोड़ी हेल्प मिलने वाली होगी कंक्लूजन लेने में। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, मान लेते हैं ग्राफ हम खींचे, हमें ग्राफ ऐसे और ऐसे मिल रहा है, इन सच अवे कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोड्यूस करने पर दोनों आपको पैरेलल होते दिख रहे हैं। तो इस केस में आप पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कभी कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो फिलहाल हम आपको रफ एस्टिमेशन दिखा दे रहे हैं। यहाँ अगर हम फिर जीरो वन टू थ्री ले लेते तो x पर तो जीरो रखेंगे तो फाइव आएगा, वन रखेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस थ्री 17 बाई फोर, रफली कितना हो जाएगा 4.25 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो बाई 2 हो जाएगा 10 माइनस 3 7 बाई 4 आएगा। ठीक है, दैट इज 1.75 आएगा। ठीक है, एंड 3 फिर रखेंगे तो जाएगा 9, 20 माइनस 9 दैट इज 11 बाई 4 दैट इज 10, ऐसे मिला आपको। ठीक है, ये आपको ग्राफ 1 मिलेगा, ये आपको ग्राफ 2 मिलेगा। अगर हम एक ही ग्राफ पे दोनों को ट्रेस करते, दोनों रीडिंग्स को हमें कैसा दिखता देख लीजिए। यहाँ वैल्यू ऑफ x है, यहाँ वैल्यू ऑफ y है, x पर 0 1 2 3 और y पे नेगेटिव तो मिला नहीं है, और देखिए कहाँ तक जाना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है y पर 5 आई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके ले लीजिए, मीन्स 1 2 3 4
एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए दोनों के लिए ट्रेस करके देखते हैं। अगर आप पहले डेटा के लिए ग्राफ खींचेंगे, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 1 पे 0.5 है, ठीक है, 2 पे 1 है एंड 3 पे 1.5 है, मीन्स यू आर गेटिंग अ लाइन लाइक दिस। ये मिला आपको, ये मिला है 1 के लिए, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले रीडिंग को इसी ग्राफ पर, सेम ग्राफ पर ट्रेस करें, तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको मिला है 5, 1 पे मिला है 4.25 एंड 2 पे मिला है 1.75, यानी कि 2 के आसपास कहीं मेंटेन है दिस, एंड 3 तक जाते जाते आपको मिला है 2 पे मिला था 1.75 मिला था ना, ये मिला है 2.75। ये वाला रीडिंग चेक कर लीजिए तो जरा फिंगरबोर्ड कर दिए, ये कहाँ था, यहाँ था ना। एक्स की वैल्यू जब 3 रखे हो गया 9, ये हो गया 20 माइनस 9, दैट इज 11/4, तो ये हो गया 2.75। इसके पहले चेक कीजिए तो 2 रखेंगे तो जाएगा 2 2 4, इक्वल टू 1.5, 5 माइनस 1.5, ये गड़बड़ लिखे हैं, ये वाला चेक कर लीजिए। एक्स इक्वल टू 2 रखना है ना, 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा ये 1.5 हो जाएगा, तो 5 में से 1.5 जाएगा तो 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 है, दैट इज 7/2 है, 7/2, दैट इज 3.5, ये सही है। तो x इक्वल टू 2 पर आपको मिल रहा है 3.5, यानी ये वैल्यू नहीं मिली है, 3.5 मतलब ये वैल्यू मिली है, ये वैल्यू। एंड जब आप x इक्वल टू 3 पर आ रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2.75, यानी यहाँ पर, इसका मतलब है जो 2 आप खींच रहे हैं रफली वो मिल रहा है x से। ये पॉइंट इधर उधर इसलिए जा रहा है ना क्योंकि स्केलिंग तो है नहीं, बकायदा ग्राफ पर खींचे तो आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो क्लियर है कि आपको लाइन ये मिली है ऐसे। अगर ये लाइन मिली है तो इसका मतलब है और रीडिंग ले लेते, देखिए इसमें एक रीडिंग और जनरेट कर लेते 4, तो 4 के लिए देखिए कितना हो जाता, 4/4 कैंसिल, 5 माइनस 3, दैट इज 2, यानी कि 4 पे मिलता 2 मिलता, देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा है ये। इसका मतलब है दिस इंटरसेक्शन, अब एग्जैक्टली हमारे पास तो वैल्यू तो है नहीं, लेकिन रफली तो आप देख सकते हैं ना कि x की वैल्यू 3 के आसपास आ रही है एंड y की वैल्यू 2 के आसपास आ रही है, 2.5 के आसपास आ रही है, मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x कामा y, दैट कोऑर्डिनेट विल प्रोवाइड यू द आंसर ऑफ दिस समल्टेनियस इक्वेशन। अगर ये ढूंढ पाए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में